नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक ऐसा स्थान है जहां पर दो खेत बिल्कुल आसपास में हैं, तो क्या इसका तौजी नंबर अलग हो सकता है और जमाबंदी नंबर अलग हो सकता है? तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान है, वहाँ पर दो खेत है, तो जाहिर सी बात है दो खेत है तो दो प्लॉट होगा, यानी कि दो खेसरा नंबर होगा। दो खेसरा नंबर का ज़मीन है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तौजी के अंतर्गत वह दोनों खेसरा आ जाए, या फिर एक ही जमाबंदी के अंतर्गत दोनों खेसरा आ जाए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कारण इसलिए कि एक तौजी के अंतर्गत बहुत सारे खाता आते हैं और उन खाता के अंतर्गत खेसरा नंबर आता है। अब बात रही जमाबंदी की, तो जमाबंदी जो है, एक जमाबंदी में अनेक खेसरा भी हो सकते हैं, एक खेसरा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस ज़मीन को खरीदे हैं और एक ही जमाबंदी में आपने कितने खेसरा का ज़मीन रखे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर तौजी की बात करें तो हो सकता है कि दोनों का एक ही तौजी हो या अलग अलग भी तौजी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।